हाय गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने यहां तक ओवर कर दिया था, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग तक ओवर कर दिया था। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि इसका जो वीडियो का सेकंड पार्ट है वो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग से। सो गाइस, अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग से, तो यह सेकंड पार्ट है। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो इसका फर्स्ट पार्ट देख लें तो ही समझ आएगा, क्योंकि यह एक सीरीज़ है। ठीक है, तो यह एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मीज़ काफ़ी टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो वो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लें जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। सो चलिए गाइज, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से मेथड ऑफ़ टीचिंग से। तो हमारे पास अब मेथड ऑफ़ टीचिंग में क्या दिया गया है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं, टीचिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच ब्रिंग सोशली डिज़ायरेबल बिहेवियर चेंजेस इन ए पर्सन। तो जो कि एक टीचिंग है, यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि किसी भी व्यक्ति में एक डिज़ायरेबल बिहेवियर में जो भी चेंजेस लेकर के आती है, ठीक है, एक सामाजिक बदलाव लेकर के आती है किसी भी व्यक्ति में। ठीक है, इसमें कहा है टीचिंग प्रोसेस टेक प्लेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर। ये आपको पता है कि टीचर और बच्चों के बीच में ही वो मीज होती है टीचिंग प्रोसेस। इट इज़ इंटरेक्टिव प्रोसेस विच इज़ इनिशिएटेड बाय द टीचर वेयर लर्नर इज़ द एक्सेप्टर। तो इसमें कहा है कि यह एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जो कि टीचर द्वारा इनिशिएट की जाती है, जिसमें जो कि लर्नर होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं। मीन्स टीचर नॉलेज को प्रोवाइड करता है और बच्चे नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। आगे इसमें कह रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन ए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी वेयर स्टूडेंट इज़ लिविंग। तो यहाँ पे बच्चे रहते हैं तो उनकी सोसाइटी कि ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही मीज़ क्या है, स्टूडेंट्स में क्या करती है, यह एक मीज़ बदलाव लेकर के आती है। ठीक है, आगे इसमें कह रहे हैं कि वेयर स्टूडेंट इज़ सॉरी टीचिंग इज़ डायनेमिक इन नेचर। तो यह क्या है कि यह नेचर में डायनेमिक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए प्रोसेस। मीन्स यह डायनामिक है, यह लगातार चलती जा रही है, इसलिए इसको मीन्स यह प्रगतिशील है, इसलिए इसको प्रोसेस कहा है। ठीक है, तो टीचिंग क्या है, टीचिंग साइंस के साथ साथ आर्ट भी है। इस प्रोसेस में मीन्स मोटिव ऑफ द टीचर इज डेवलप द स्टूडेंट माइंड। तो टीचर का जो कि मेन मोटिव होता है वह स्टूडेंट के माइंड को डेवलप करना होता है। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसमें आगे हमारे पास कहा है टीचर की जो कि फॉलोइंग कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं जो कि उसके पास होनी चाहिए। तो ये तीन क्वालिटीज़ आप याद रखोगे, पहले भी हमने फर्स्ट वीडियो में टीचर की क्वालिटीज़ की थी, लेकिन यह कंटेंट मैटर से रिलेटेड है, मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की उसको पूरी गहराई से नॉलेज होनी चाहिए जो भी टीचर किसी सब्जेक्ट को टीच करता है स्कूल में। गुड नॉलेज ऑफ द पैडागोजिकल स्किल टू टीच सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को टीच करने के लिए उसके पास जो कि पैडागोजिकल स्किल्स होते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स सब्जेक्ट को किस वे से टीच करना है, कौन सी अप्रोचेस यूज़ करनी है, मेथड यूज़ करनी है, ठीक है, टेक्निक्स यूज़ करनी है, किस तरीके से मीन्स लेसन को या सब्जेक्ट को प्लान करना है, ठीक है, किस तरीके से क्लास को मैनेज करना है, किस तरीके से बच्चों को असेस करना है, मीन्स ये सारी चीज़ें पैडागोजिकल स्किल में आ जाती हैं। तो ये टीचर के पास इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द लर्नर प्रिपेयरनेस विद द नॉलेज, तो जो कि इसमें कहा है कि भाई बच्चों के बारे में भी उसको एक समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों के बारे में भी टीचर को समझ होनी चाहिए कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, बच्चों के वीक पॉइंट, बच्चों के मीन्स जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट, बच्चों में जो भी अलग अलग से उनके मीन्स एटीट्यूड हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी उसको समझ होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमारे पास दी गई हैं, बच्चों के बारे में उसको जानना होगा, सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज और पैडागोजी के बारे में। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें किस में आती है हमारे पास, इफ़ेक्टिव टीचिंग में आती है। ठीक है, तो ये इफ़ेक्टिव टीचिंग के ये आप तीनों चीज़ें इसकी आप याद रखोगे, ये तीनों चीज़ें इफ़ेक्टिव टीचिंग में होती हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन सॉरी आगे हमारे पास इसमें दिया है कि टीचर शुड फॉलो वेरियस मेथड। तो टीचर कुछ वेरियस मेथड है जो आगे हमारे पास आएंगे, वो क्या कर रहा है टीचिंग के लिए, मीन्स वह एज ए डिवाइस इसको यूज़ कर सकता है। ए टीचर इनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ द
थिंकिंग अमंग स्टूडेंट, ठीक है, तो जो कि स्टूडेंट के बीच जो थिंकिंग की प्रैक्टिस होती है उसको इनकरेज कर सकता है, कि मींस टीचर इस तरीके से स्ट्रेटजी यूज़ कर सकता है कि बच्चों की जो कि थिंकिंग करने की एबिलिटी है वो क्या हो, मींस विकसित हो, वो इन्हेंस हो, वो ज़्यादा डेवलप हो. टीचर शुड गिव द स्टूडेंट टू फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडिया. तो टीचर को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बच्चों को कि वह अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें, ठीक है. तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि एक जो टीचर है वो एज ए एजुकेटर होता है. तो ये आप मीन्स कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई एजुकेटर के रूप में टीचर जाना जाता है, एजुकेंट के रूप में स्टूडेंट जाना जाता है, सब्जेक्ट मैटर ये आपको पता है, ये करिकुलम के रूप में जाना जाता है, और कॉन्टेक्स्ट हो गया सेटिंग, मीन्स किस तरीके से मीन्स इन्वायरमेंट को सेट करना है. तो इन्वायरमेंट को सेट करने के लिए मीन्स कौन कौन सा उसमें टीचिंग मेथड होना चाहिए, कौन कौन से मीन्स स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पैडागोजिकल स्किल कौन कौन से होने चाहिए, ये किस में आता है, कॉन्टेक्स्ट में आता है, ठीक है. तो ये चारों चीज़ें आप याद रखोगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड. आगे हमारे पास आया है पैडागोजी पैराडाइम्स, ठीक है. तो पैडागोजी पैराडाइम्स में क्या कह रहे हैं, देखो पैडागोजी आपको पता है इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा शास्त्र. तो देखो पैडागोजी का मतलब ही ये होता है कि टीचर ने बच्चों को टीच करने के लिए किस वे से मीन्स कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, कौन से मेथड यूज़ करने हैं, वो सारे पैडागोजी में ही चले जाते हैं कि किस तरीके के से बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चों को जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ आ जाए बस, ठीक है. तो पैडागोजी क्या है, इसमें कहा है कि पैडागोजी एक साइंस है, ठीक है, आर्ट ऑफ एजुकेशन है. एम ऑफ पैडागोजी क्या है, डेवलप द ह्यूमन बीइंग्स अप टू द स्किल एक्विजिशन, मींस वहां तक उसको डेवलप करना कि जितने भी स्किल होते हैं वो उसको क्या कर ले, एक्वायर कर ले, अर्जित कर ले. द टीचिंग इज ए प्रोफेशनल, टीचिंग क्या है ये हमें पता है कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट्री है विच रिक्वायर ए टीचर, जिसमें एक टीचर की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि एक एफिशिएंसली प्लानिंग करता है, ठीक है, किसके लिए मीन्स ऑब्जेक्टिव के लिए है, गिव द स्टूडेंट मीनिंगफुल नॉलेज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और वह बच्चों को एक मीनिंगफुल नॉलेज प्रोवाइड करता है किस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है. इस प्रोसेस में कह रहे हैं, टीचिंग में कह रहे हैं कि एवरी टीचर इवॉल्व देमसेल्फ एवरी डे एंड दे ऑल्सो डेवलप देयर यूनिक टीचिंग स्टाइल बेस्ड ऑन मल्टीपल एनकाउंटर्स विद देयर स्टूडेंट. तो इसमें कह रहे हैं कि भाई कि टीचिंग की प्रोसेस में हर दिन टीचर क्या करता है, खुद को इतना विकसित करता है कि वह अपने मीन्स यूनिक टीचिंग स्टाइल को डेवलप करे, किसके बेस पे, मल्टीपल एनकाउंटर्स के बेस पे. तो यहाँ पे जो कि मल्टीपल एनकाउंटर्स हैं, ये मीन्स हम यह कह सकते हैं कि इस तरीके के मेथड हैं, इस तरीके की मीन्स स्ट्रेटजी है, पैडागोजी है कि बच्चे को समझाने के लिए, ठीक है. तो वो मल्टीपल एनकाउंटर्स हो सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ. इसमें कह रहे हैं इन टीचिंग एवरी डे टीचर फेस्ड चैलेंजेस. तो देखो टीचर को बहुत सारे चैलेंज होते हैं, फेस करने को मिलते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं मीन्स जो पढ़ने में बहुत ही वीक होते हैं, और ये चैलेंज ही होते हैं कि किस तरीके से उसको कंटेंट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, लेसन है, उसको मीन्स पढ़ाया जाए कि बच्चे को जो कि वीक है उसको समझ आ जाए. तो ये चैलेंज ही होते हैं, ठीक है. अलग अलग लैंग्वेज से रिलेटेड बच्चे होते हैं, भाषा से रिलेटेड बच्चे होते हैं, तो उनको मीन्स समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है. तो कई बार कक्षा में या हमें क्या होता है कि ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, किसी की कुछ और लैंग्वेज होती है मदर टंग, किसी की कुछ और होती है, तो उनको समझाने के लिए मीन्स इस तरीके के चैलेंज फेस करने को मिलते हैं. तो इसमें वही कह रहे हैं कि एवरी डे टीचर को चैलेंज फेस करने को मिलते हैं, लेकिन उन चैलेंज को मीन्स उनका सोल्यूशन भी वो क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा. तो वह लूप करते हैं उस सोल्यूशन के लिए, ठीक है. आगे हमारे पास है कि पैडागोजिकल एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग हेल्प द टीचर टू अंडरस्टैंड द टीचिंग. तो जो कि पैडागोजिकल एनवायरनमेंट है ना, तो यह टीचर की हेल्प करती है क्या करने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझने के लिए, एंड डिफरेंशिएट टीचिंग स्ट्रेटजी, और टीचिंग स्ट्रेटजी को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है. तो हमारे पास जो कि टीचिंग की जॉब में क्या कुछ आ जाता है, ठीक है, तो यह एक कॉम्प्लेक्सिकल प्रोसेस है. तो इसमें हमारे पास चार चीज़ें आ जाती है. तो टीचर को इसको इसमें क्या करना पड़ेगा, तो यह एक हम यह कह सकते हैं कि स्टेप है टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए. तो कौन कौन से स्टेप यूज़ करने पड़ेंगे टीचर को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग. तो प्लानिंग आप समझ सकते हो कि जो भी कंटेंट मैटर पढ़ाना है टीचर ने, तो उस
को अच्छे तरीके से पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, पढ़ाने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपने अपनी बीएड क्लासेस में, जहाँ अगर आपने डीएड की है, बीएड की है, डिप्लोमा की है, जो भी, ठीक है, तो उसमें आपने मीन्स अपने लेसन प्लान बनाए होंगे, तो आपको पता होगा कि वो जो लेसन प्लान बनाते हैं तो वो हमारी पहले प्लानिंग ही होती है, वो लेसन प्लान ही एक प्लानिंग है जिसमें हम सब कुछ लिखते हैं कि क्लास में जाकर के हमने किस तरीके, किस वे से क्लास को टीच करना है, है ना। तो उसमें हम मीन्स अपना अपना ब्यौरा लिखते हैं, है ना, और किस तरीके से क्लास को पढ़ाना है, उसमें मीन्स किस तरीके से लेसन को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से मीन्स जो कि ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उसका यूज़ करना है, ठीक है, और मीन्स कुछ कुछ हम यह कह सकते हैं कि टीचिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल होते हैं, वो उनका यूज़ करना है, ठीक है, कब हमने ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है, ठीक है, कब हमने क्लास को असेस करना है, तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आ जाती है। और एग्जीक्यूशन को हम बोल सकते हैं मीन्स अप्लाई करना, ठीक है, तो जो हम प्लानिंग कर लेते हैं तो उसको एक्चुअल में अब क्लास में जाकर के जो अप्लाई करते हैं उस चीज़ को, या हम इसको इम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स लागू करना, ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो मीन्स जो चीज़ हमने प्लान की है उसको मीन्स क्लास में क्या करना है, लागू करना है। में आता है कि बच्चों को क्या करना, मीन्स असेस करना, ठीक है, बच्चों को मीन्स मेज़र करना कि भाई जो भी हमने प्लानिंग के बाद जो भी हमने टीच किया है, ठीक है, तो टीच करने के बाद बच्चों को असेस करना कि भाई उसको मैटर कितना अंडरस्टैंड उन्होंने किया है बच्चों ने, तो इस चीज़ को असेस करने के लिए हम प्लानिंग में ही मीन्स क्वेश्चन वगैरह हम लेकर के आते हैं कि किस वे से हम क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे बच्चों से, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, असेस करना, फिर हमको मीन्स जब बच्चों को असेस कर रहे होते हैं तो हमें उनका जो भी फीडबैक होता है वो मिल जाता है, फीडबैक में मीन्स बच्चे फिर जो भी उन्होंने सीखा है वो फीडबैक देते हैं, ठीक है, तो असेस में हमें उनकी कमजोरियों का पता चल जाता है, ठीक है, फीडबैक में उन्होंने क्या सीखा है ये हमें पता चल जाता है, ठीक है, तो ये चारों चीज़ें किसमें शामिल होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमारे पास आती है, ठीक है, आगे हमारे पास तो ये इसी का मॉडल है, ठीक है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। आगे हमारे पास देख लेते हैं, तो आगे हमारे पास जो पैडागोजी पैराडाइम्स का रीसेंट ट्रेंड है वो हमारे पास दिया गया है, ठीक है, तो रीसेंट ट्रेंड में हम देखो इस मैटर को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कि टीचर क्या है, उसको सक्सेसफुल होना चाहिए तो उसको कुछ फॉलोइंग मॉडल है ना टीचिंग के लिए, ये यूज़ करने पड़ेंगे, तो ये हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम जो कि रीसेंट ट्रेंड है, करंट ट्रेंड है जो कि पैडागोजी पैराडाइम्स का, तो वो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन चारों के बारे में जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है, ठीक है, देखो टीचर होता है, टीचर का काम टीच करना होता है, ठीक है, टीचर टीच किसके लिए करता है, बच्चों के लिए करता है, और बच्चों का काम क्या करना होता है, लर्न करना होता है, सीखना होता है, है ना, तो इसलिए मीन्स वो चारों चीज़ें इसमें हमारे पास दी गई हैं, तो इसको हम देख लेते हैं कि लर्नर क्या होते हैं, टीचर क्या होता है, टीचिंग क्या होती है, और लर्निंग क्या होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से लर्नर के बारे में पढ़ेंगे, तो जो कि लर्नर है उसके बारे में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया है कि सभी बच्चों को हमने क्या मानना है कि वह डिफरेंट होते हैं और यूनिक होते हैं, ठीक है, तो सभी बच्चे डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, इट मीन्स ये किसको रेफर करता है, मीन्स यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस बात निकल के सामने आई है कि भाई हम टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि प्याजे ने भी स्वीकार किए थे, ब्रूनर ने भी स्वीकार किए थे, ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये टीचर को स्वीकार करने पड़ेंगे, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते, कोई तेज़ी से सीख सकता है, कोई कम मीन्स धीमे सीख सकता है, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट दिया है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, तो हमारे माइंड में ये चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए कि भाई ये बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है, ये बच्चा हम कितना भी समझा दें ये नहीं सीख सकेगा, ठीक है, तो ये चीज़ हमारे माइंड में कभी भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को जो भी आपका माइंड है उससे निकाल दो, निकाल फेंकिए, ठीक है, सो सभी बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए आपने सिखाने के लिए उसको कौन कौन सी स्ट्रेटजी टीचिंग यूज़ करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। आगे हमारे पास नेक्स्ट है, लर्नर
कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। तो ये भी बात आपको पता है कि प्याजे ने इसको एक्सेप्ट किया था, विगोस्की ने भी, ब्रूनर ने भी, जॉन डीवी ने भी, ठीक है, कि सभी बच्चे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए उन्होंने अलग अलग टर्म यूज़ की थी, कि जैसे कि प्याजे हो गया, उन्होंने अडेप्टेशन यूज़ किया था कि भाई बच्चे अपने जो कि इन्वायरमेंट होता है, सोसाइटी होती है, ठीक है, उसमें खुद को अडप्ट करते हैं और जो भी चीज़ें वहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो वो उसी को उसी वे से लेकर के चलते हैं, अपनी नॉलेज को मींस कंस्ट्रक्ट करते हैं जो चीज़ें वह इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में देखते हैं, ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को उसी तरीके से वो एक्सेप्ट करते हैं और वही उनकी नॉलेज होती हैं, ठीक है। तो मीन्स नॉलेज को अपने ही तरीके से वह क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। आगे हमारे पास इन्होंने दिया है कि लर्नर पर्सनल बैकग्राउंड प्रायोरिटी एक्सपीरियंस इंटरलेस्ड एंड मोटिवेशन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू वॉइस देयर एबिलिटी टू लर्न। तो इसमें कह रहे हैं कि जो कि बच्चों के पर्सनल बैकग्राउंड होता है, प्रायोरिटी होती है, एक्सपीरियंस होता है, इंटरलेस्ड होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, तो यह बच्चों को केपेबल बनाने के लिए, उसकी एबिलिटी को मीन्स उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए मीन्स यह एक इसका महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इन सभी का मोटिवेशन हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, प्रायोरिटी होगी, जो उसका बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, तो मीन्स अपनी फैमिली से वो क्या चीज़ें सीख रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये चारों पॉइंट बच्चे से रिलेटेड थे, जिसको मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। सभी बच्चे यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सभी बच्चे सीख सकते हैं, सभी बच्चे अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसका जो पर्सनल बैकग्राउंड हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, प्रायोरिटी होगी, ठीक है, वो एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होती है उनकी, कि बच्चों को मींस ये चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाती है, ठीक है, एबिलिटी मींस सीखने के लिए मींस ये चीज़ें उनको योग्यता बनाती हैं, ठीक है। आगे हमारे पास टीचर से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो टीचर इज़ नॉट ए गिवर ऑफ द नॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर को ये अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा कि वह जस्ट नॉलेज को देने के लिए नहीं है, ठीक है, जस्ट मीन्स उसके पास जो भी नॉलेज है वो उसको टीचर को एज इट इज़ बच्चों के सामने रख दी, ठीक है। तो ये टीचर नॉलेज मीन्स देने के लिए नहीं है जस्ट, तो इसमें कहा है टीचर इज़ ए फैसिलिटेटर। तो फिर टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर है जो कि बच्चों की हेल्प करता है उसकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जो टीचर के पर्सनल बिलीफ होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, तो उसने यह मीन्स ये चीज़ें अफेक्ट करती है किसको, टीचिंग मेथड के स्टाइल को, और टीचिंग मेथड को किस तरीके से उसका चयन करना है, उसको चुनना है, ठीक है, उसको जहन में लेकर के आना है। तो ये चीज़ें मींस क्या करती है टीचर के, जो कि टीचर का कॉन्फिडेंस हो गया, एटीट्यूड हो गया, उसके एक्सपीरियंस हो गए, उसके पास स्किल्स हो गए, ठीक है, तो उसका जो विश्वास होता है, बिलीव्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, ठीक है, जो भी उसने टीचिंग मेथड से किसी कंटेंट मैटर को पढ़ाना है, कौन सा स्टाइल यूज़ करना है, इन चीज़ों को अफेक्ट करती है, ठीक है। आगे कहा है टीचर हैज़ टू बी अ लर्नर हिमसेल्फ टू ग्रो एज ए टीचर एंड इवॉल्व देमसेल्फ। तो इसने कहा, आगे इस पॉइंट में कहा है कि भाई टीचर को भी एज ए मीन्स टीचर को भी एक सीखने वाला ही होना पड़ेगा, मीन्स लर्नर ही होना पड़ेगा अगर वह स्वयं को एज ए टीचर ग्रो करना चाहता है और खुद को वह विकसित करना चाहता है, ठीक है। तो यदि वह खुद को डेवलप करना चाहता है, विकसित करना चाहता है, ठीक है, तो विकसित करने के लिए या एज ए टीचर ग्रो करने के लिए मीन्स उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सीखने वाला ही बनना पड़ेगा, ठीक है, मीन्स उसको एक लर्नर के रूप में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं कि कभी भी टीचर ये ना सोचे कि भाई वो तो हर एक चीज़ में परफेक्ट है, इसका मतलब यही है कि उसको भी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखनी पड़ेगी पढ़ाने के लिए, ठीक है, परफेक्ट होने के लिए। आगे हमारे पास इसमें क्या दिया गया है टीचिंग से रिलेटेड। तो टीचिंग में क्या कह रहे हैं, टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव इंगेजमेंट बिटवीन, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि टीचर और लर्नर के बीच जो कि एक्टिव इंगेजमेंट होती है या इंट्रैक्शन होती है, तो ये क्या है, टीचिंग है। टीचिंग इज़ ए क्रिएटिव इंडेवर दैट रिक्वायर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, मॉडिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई टीचिंग क्या है, यह एक
क्रिएटिव एंडेवर है, मीन्स एक कोशिश है, प्रयास है, जो कि एक मीन्स जिसमें ज़रूरत होती है फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हम जिसको हम मीन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आउट। ठीक है, आगे हमारे पास इसमें दिया है टीचिंग हैज़ टू डिफ्रेंशिएट इन टर्म ऑफ चॉइस ऑफ कंटेंट इंस्ट्रक्शन स्टडी मटीरियल एंड असेसमेंट टू मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स की नीड्स को पूरा करने के लिए, जो भी अलग अलग सीखने की उनकी ज़रूरत होती हैं, ठीक है, तो उनको पूरा करने के लिए जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें मीन्स कंटेंट को चॉइस करना है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह लेनी है, ठीक है, स्टडी मटेरियल चूज़ करना है, असेसमेंट किस तरीके से करना है, तो टीचिंग में ये सारी चीज़ों की मीन्स अलग अलग तरीके से इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मीन्स अलग अलग तरीके से इसका निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहा है ना डिफ्रेंशिएट। ठीक है, डिफ्रेंशिएट का मतलब यही है कि किस बच्चे के लिए कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो कौन सा चॉइस ऑफ कंटेंट यूज़ करेंगे, स्टडी मटेरियल किस तरीके का होगा, असेसमेंट किस तरीके की होगी। ठीक है, तो इससे फिर हम स्टूडेंट्स की नीड को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास टीचिंग इज ए सक्सेसफुल इन ए स्ट्रेस फ्री इमोशनली एंड सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसमें कहा है कि जो कि इमोशनली सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट होता है और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होता है, टीचिंग उसी में सक्सेसफुल होगी। ठीक है, आगे हमारे पास लर्निंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं। लर्निंग में क्या कह रहे हैं, लर्निंग इज एन एक्टिव डिस्कोर्स ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर। तो जो कि यह क्या है, एक्टिव डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, मीन्स जो भी अपनी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करना। ठीक है, तो लर्निंग में मीन्स ये चीज़ें चलती हैं, कम्युनिकेट चलता है। लर्निंग इज़ ए फुली एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो यह फुली एक्सपेरिमेंटल है, मीन्स इसमें एक्सपेरिमेंट का होना, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। इसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, मीन्स जो भी फैक्ट हैं, नॉलेज है, उसको प्रूफ किया जाता है। लर्निंग कैन बी स्ट्रेंथेंड एंड मैक्सिमाइज थ्रू एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग एंड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट चैलेंज। तो जो कि सफिशिएंट चैलेंज के द्वारा और स्कैफोल्डिंग, एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग को मीन्स स्ट्रेंथ मीन्स मजबूत कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा विकसित भी कर सकते हैं, इसका दायरा हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास लर्निंग कैन बी इनरिच एक्सपीरियंस इन ए कोलैबोरेट सेटिंग वेयर ऑल लर्नर आर ए पार्ट ऑफ अ लर्निंग कम्युनिटी हु आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। तो देखो, इसमें यह कह रहे हैं कि भाई जो कि लर्निंग है, इसको हम इनरिच कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लर्निंग में एक्सपीरियंस होते हैं उसको हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जो भी नॉलेज होती है उसको बहुत ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, लेकिन यह एक कोलैबोरेट एनवायरनमेंट होना चाहिए, मीन्स बच्चों का आपस में सहयोग होना चाहिए। ठीक है, जहाँ बच्चे मीन्स क्या होते हैं कि मीन्स बच्चे उसका हिस्सा होते हैं, ठीक है, उस एनवायरनमेंट का, जो भी मीन्स एक कोलैबोरेट सेटिंग की जा रही है उसका एक हिस्सा होंगे, जिसमें बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर के मिल कर के सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, एक ताकि वह एक कॉमन गोल को अचीव कर सके। तो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए मीन्स वह एक साथ इकट्ठे करते हैं, जहाँ पर उनका कम्युनिकेशन चलता है, ठीक है, और कोलैबोरेट जो भी सेटिंग है वो चीज़ इसमें होनी चाहिए, फिर ही हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग में जो एक्सपीरियंस है उसको इनरिच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मीन्स कुछ चार पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, किससे रिलेटेड, लर्नर से रिलेटेड, टीचर, टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप मीन्स नहीं लिखना चाहते, अदरवाइज आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। आगे हमारे पास देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखो, आगे हमारे पास कह रहे हैं फॉर बेटर एंड इफ़ेक्टिव एजुकेशन। तो बेटर और इफ़ेक्टिव एजुकेशन के लिए, ठीक है, के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रोडक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो कि कुछ हमारे पास बेसिक कंपोनेंट दिए गए हैं इफेक्टिव टीचिंग एनवायरनमेंट के। तो इसमें हमारे पास आ रहा है नॉलेज ऑफ द टीचर एंड लव ऑफ द सब्जेक्ट टीचर इज टीचिंग। तो टीचिंग से रिलेटेड कुछ मीन्स कंपोनेंट दिए गए हैं कि टीचिंग क्या है। तो टीचर के द्वारा सब्जेक्ट को पसंद करना और सब्जेक्ट के बारे में उसको कितनी नॉलेज है, वही टीचिंग है। ठीक है, टीचर मस्ट हैव द नॉलेज एंड लव विद द अफेक्शन फॉर द। तो स्टूडेंट के साथ मीन्स उनका एक अफेक्शन होना चाहिए, उनकी अटैचमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट के साथ, उनका एक हम यह कह सकते हैं, तो वो मीन्स हर टीचर बच्चों को पसंद करे। ठीक है,
आगे हमारे पास देयर मस्ट बी प्लानिंग प्रिपेरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड को मीन्स यहाँ पे किसकी ज़रूरत है कि हमको मीन्स प्लानिंग करने की ज़रूरत है, प्रिपेयर करने की ज़रूरत है और ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। टीचर मस्ट बी एंथोसियास्टिक फॉर टीचिंग। तो टीचिंग के लिए टीचर को क्या होना पड़ेगा, एक मीन्स इनकरेज होना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा, उत्साही होना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स वो ऐसा नहीं है कि एक बस उसको वो ये समझे कि यार ये मुझे करना पड़ेगा, मीन्स करने का मन उसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स उसका ये नहीं है कि उसका भी उसका मन ना करे लेकिन वो धक्के से इस चीज़ को करे, ठीक है। तो टीचिंग के लिए मीन्स उसका मन होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ में कह रहे हैं टीचर मस्ट हैव एबिलिटी टू स्टिमुलेट द लर्नर थॉट्स एंड इंटरेस्ट। तो जो कि बच्चे के थॉट होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उसको स्टिमुलेट करने की जो कि एबिलिटी है वो टीचर में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हमारे पास कह रहे हैं कि यहाँ पे टोटल हमारे पास 150 टीचिंग मेथड है। तो टीचिंग मेथड हमारे पास बहुत से हैं लेकिन यहाँ पे हम कितने कह रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने जो मेथड ऑफ टीचिंग दिया है वो 3 दिए हैं इसमें। तो यहाँ पे जो कि लेक्चर मेथड होता है उसमें मीन्स कुछ ना कुछ टेल किया जाता है, बताया जाता है। जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, देखो ये भी टीचर सेंटर्ड अप्रोच है और डेमोन्स्ट्रेशन भी टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। तो इसको भी मीन्स क्या किया जाता है, इसको भी शो किया जाता है। और जो कि प्रोजेक्ट लेबोरेटरी है तो इसमें मीन्स कुछ ना कुछ डोइंग किया जाता है। डोइंग का मतलब कि कुछ ना कुछ करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं इसमें, ठीक है। सो लेक्चर मेथड को में टेल किया जाता है, मीन्स कुछ ना कुछ जो भी नॉलेज है वो डायरेक्टली तरीके से टीचर बच्चों को प्रोवाइड कर देता है। डेमोन्स्ट्रेशन में मीन्स टीचर कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, या कुछ चार्ट वगैरह हो गए या ब्लैक बोर्ड पर कुछ चीज़ें वह शो कर देता है, कुछ ना कुछ मीन्स टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें शो कर देता है। प्रोजेक्ट मेथड में जो भी फैक्ट होते हैं, जो भी थ्योरी होती है, ठीक है, जो भी फॉर्मूले होते हैं उसको मीन्स हम यह कह सकते हैं लेबोरेटरी में उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो उस पर वर्क किया जाता है, वाई हैंड कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बच्चों की एक्टिविटी शामिल होती है। तो प्रोजेक्ट मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, डिस्कवरी मेथड हो गया, तो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो सकती है, ठीक है। सो आगे हमारे पास मेथड आएंगे तो मेथड हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट होते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। तो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में देखो इन्होंने क्या दिया है, तो कह रहे हैं यह बहुत ही प्राचीन मेथड है, पुराना मेथड है, ठीक है। द टीचर वाज द सेंडर और द सोर्स। तो इसमें बेसिकली जो टीचर क्या होता है, वह जस्ट मीन्स डाटा को सेंड करता है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, उसको जस्ट स्टूडेंट तक भेज देता है, ठीक है, या सोर्स होता है, एज ए मीन्स संसाधन काम करता है। और इसमें आगे कह रहे हैं द एजुकेशन मटेरियल वाज द इंफॉर्मेशन और मैसेज। तो जो कि एजुकेशनल मटेरियल होता है वो जस्ट मीन्स किस रूप में होता है, वो जस्ट इंफॉर्मेशन ही होती है, मैसेज ही होते हैं, ठीक है। और जो कि स्टूडेंट और बच्चे होते हैं वह क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं, वो भी जो भी टीचर इंफॉर्मेशन और मैसेज को सेंड करता है, ठीक है, उसको रिसीव करने के लिए। तो द एजुकेटर इसमें कह रहे हैं डिलीवर द मैसेज वाई यूजिंग द चॉक एंड टॉक मेथड, ठीक है। तो जो कि चॉक और टॉक मेथड है, इसका यूज़ करके भी टीचर क्या कर देता है या एजुकेटर क्या कर देता है, अपने मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर देता है। और आगे कह रहे हैं या वाई यूजिंग ओवरहेड प्रोजेक्टर या ओवरहेड प्रोजेक्टर। बेसिकली द टीचर कंट्रोल द टोटल इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। तो इसमें बेसिकली जो टीचर है वो टोटल जो कि इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है टीचर ही कंट्रोल करता है। द कंटेंट इज डिलीवर्ड टू द entire classroom at the teacher tend to emphasize factual knowledge। तो देखो इसमें कहा है कि जो कि content है वह पूरी classroom में means क्या किया जाता है, entire classroom में deliver किया जाता है, ठीक है। तो टीचर इस पर किन चीज़ों की और ज़्यादा फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है किन चीज़ों को, तो टीचर जो फैक्चुअल नॉलेज होती है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। इस प्रोसेस में द टीचर डिलीवर द लेक्चर कंटेंट। तो जो भी टीचर के पास लेक्चर कंटेंट होता है उसको डिलीवर किया जाता है एंड द लर्नर लिसन टू द लेक्चर। वही चीज़ें सामने आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ से ही इस मेथड को पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में कुछ नीचे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास आ रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं टीचिंग इन क्लासरूम यूजिंग चॉक एंड टॉक, ठीक है, और कह रहे हैं इज़ वन वे फ्लो। तो इसमें जस्ट वन वे फ्लो होता है कि इंफॉर्मेशन को जस्ट
एक एक जगह पर क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है बच्चों के पास, तो इसलिए इसको वन वे फ्लो बोला गया है। तो ये आप याद रखोगे, जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, यह वन वे फ्लो हो सकता है या चॉक एंड टॉक मेथड यह हो सकता है, ठीक है। टीचर ऑफन कंटिन्यूसली टॉक फॉर एन आवर विदाउट नोइंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। तो देखो इसमें कह रहे हैं कि वही वह स्टूडेंट के फीडबैक को जाने बिना या स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को जाने बिना ही टीचर घंटों तक क्या करते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। द मटीरियल प्रेजेंटेड इज ओनली बेस्ड ऑन लेक्चर नोट्स एंड टेक्स्ट बुक। जो कि मटीरियल होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है किसके बेस पर, लेक्चर नोट्स के बेस पर या टेक्स्ट बुक के बेस पर। फोर्थ में कह रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग आर कंसंट्रेटेड ऑन प्लग एंड प्ले, ठीक है। जो कि टीचिंग एंड लर्निंग है, जहाँ प्लग एंड प्ले है, तो ये भी आप याद रखोगे ट्रेडिशनल मेथड में। देखो ट्रेडिशनल मेथड में तीन चीज़ें आई हैं, चॉक एंड टॉक मेथड आया है, ओवरहेड प्रोजेक्टर आया है, ठीक है, और वन वे फ्लो आया है। तीन चीज़ें तो ये होगी, और चौथी चीज़ है प्लग एंड प्ले, तो चार चीज़ें आई हैं, ठीक है जी, आप याद रखोगे। इसमें कह रहे हैं द हैंड राइटिंग ऑफ द लेक्चर डिसाइडेड द रेट ऑफ द सब्जेक्ट, तो जो कि सॉरी फेट ऑफ द सब्जेक्ट, तो जो कि वही हैंड राइटिंग है लेक्चर की, तो जो है जिस तरीके से सब्जेक्ट का फेट होता है, मीन्स सब्जेक्ट के बेस पे ही, मीन्स जो हैंड राइटिंग है लेक्चर की, ठीक है, लेक्चरर की यह क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है। तो लेक्चरर की हैंड राइटिंग सब्जेक्ट के फेट पे ही डिसाइड की जाती है। आगे कह रहे हैं देर इज़ ए इनसफिशेंट इंट्रैक्शन विद स्टूडेंट इन, तो जो कि स्टूडेंट्स की इंट्रैक्शन होती है, सॉरी स्टूडेंट के साथ इंस्ट्रक्शन होती है, इंट्रैक्शन होती है टीचर की, ठीक है, तो वो बहुत ही इनसफिशेंट होती है, मीन्स बहुत ही कम होती है, ठीक है, मीन्स होती ही नहीं है, हम यह कह सकते हैं। टीचर जस्ट सेंडर होता है और इंफॉर्मेशन को सेंड करता रहता है, जो कि स्टूडेंट हैं वो जस्ट लिसनर होते हैं और इंफॉर्मेशन को लिसन करते रहते हैं। मोर एम्फेसाइज हैज़ बीन गिवन ऑन थ्योरी विदाउट एनी प्रैक्टिकल और रियल लाइफ टाइम सिचुएशन, और जो कि प्रैक्टिकल के बिना या रियल लाइफ में उसको अप्लाई किए बिना, उस पर एक्सपेरिमेंट किए बिना, मीन्स जो भी थ्योरी होती है उसको जस्ट थ्योरी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो जो कि थ्योरेटिकल मेथड होता है वो ज़्यादा इसमें यूज़ होता है, जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। लर्निंग थ्रू आउट मेमोराइजेशन बट नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो जो कि लर्निंग होती है वो ज़्यादातर उस पर मेमोराइजेशन होती है, मेमोराइज मीन्स उसको ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, ठीक है, उस पर उसको मीन्स मेमोराइज करो, उसको समझो मत, ठीक है, तो उसमें समझ नहीं होती। मार्क्स ओरिएंटेड रेदर देन रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है, तो यह क्या है, मार्क्स ओरिएंटेड है किसकी बजाय, रिजल्ट ओरिएंटेड की बजाय, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। तो ये था हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड। आगे हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जो कि मॉडर्न टीचिंग मेथड है ना, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट आया है लेक्चर मेथड, ठीक है। तो देखो लेक्चर मेथड पुराना मेथड भी है लेकिन मॉडर्न में भी यह यूज़ हो रहा है, हम यह नहीं कह रहे कि मीन्स आज के टाइम में हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ से जो मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये भी तो एक तरीके का लेक्चर ही है जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और वो मैं आपको एज ए यूट्यूब या चैनल के माध्यम से मीन्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेक्चर मेथड ऐसा नहीं है कि ये बंद हो चुका है, यह ट्रेडिशनल मेथड भी था, यह आज के युग में भी यूज़ होता है, लेकिन जो है हम यह कह सकते हैं जो कि हायर क्लासेस होती हैं उनके लिए यह यूज़ होता है, बच्चों के लिए हम यह नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। तो यह आफ्टर, हम यह कह सकते हैं कि आफ्टर एट्थ क्लास या आफ्टर फिफ्थ क्लास के बाद हम यह मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तब तक बच्चे इतने केपेबल हो जाते हैं कि वह चीज़ों को समझ सकें, जो भी चीज़ें उनको हम एज ए इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको आसानी से समझ लेते हैं। सो लेक्चर मेथड में हमारे पास क्या दिया है, तो लेक्चर मेथड में कह रहे हैं लेक्चर मेथड इज द मोस्ट, तो देखो ये बहुत ही पुराना मेथड है, ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड बाय द थ्योरिस्ट, जो कि जो भी मींस थ्योरिस्ट्स थे उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था। लेक्चर मेथड इज स्टिल नाउ अ डे फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द टीचर, तो आज के दिनों में भी यह बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यह टीचर्स के द्वारा, वेयर ए लिटल और नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द लर्नर, परंतु यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चों की साइड से, सीखने वाले की साइड से कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होती या बहुत ही कम पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है।
इसमें कह रहे हैं ए लेक्चर मेथड विल बी इफेक्टिव इफ़ द टीचर इज़ एक्सपीरियंस एंड ही इज़ द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट एंड कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन रेज्ड बाय द स्टूडेंट। इसमें कह रहे हैं कि भाई लेक्चर मेथड इफेक्टिव हो सकता है, एक प्रभावशाली हो सकता है कि यदि टीचर है जो ठीक है वो एक्सपीरियंस मीन्स उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचर के पास और वह सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट वह टीच कर रहा है उसमें वह मास्टर होना चाहिए और कह रहे हैं कि वह जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा जो भी मीन्स क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं रेज्ड किए गए हैं ठीक है तो उसको मीन्स अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट उसको क्या किया जाए एक्सप्लेन कर सके टीचर। तो इसके मीन्स अगर टीचर काबिल है तो फिर ही लेक्चर मेथड क्या हो सकता है इफेक्टिव हो सकता है। कह रहे हैं इन दिस मेथड स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम इफ़ दे नीड एनी क्लैरिफिकेशन। तो अगर मीन्स कह रहे हैं कि इस मेथड में जो स्टूडेंट होते हैं वो किसी भी समय क्वेश्चन पूछ सकते हैं मीन्स क्लैरिफाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को या डाउट को यदि उसके माइंड में ये चीज़ आती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ लेक्चर मेथड टोटली डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और आगे इसमें लिखा है एक्टिव लिसनिंग स्किल ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर एंड सप्लीमेंट्री मटीरियल टू प्रोवाइड ए रोड मैप फॉर द लेक्चर। तो देखो इसमें आगे ये चीज़ कह रही है कि भाई जो कि लेक्चर की एफिशिएंसी होती है ठीक है लेक्चर मेथड की तो वह किस पे डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करती है जो कि प्रेजेंट करने का स्टाइल होता है इंफॉर्मेशन का उस पे डिपेंड करती है कि भाई टीचर किस तरीके से जो भी कंटेंट मैटर है सब्जेक्ट है या इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है तो इस चीज़ पर डिपेंड करती है। क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी मीन्स क्लैरिफाई है ठीक है इस पे डिपेंड करती है। और इसमें आगे कह रहे हैं एक्टिव लिसनिंग स्किल ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर ठीक है तो बच्चों जो भी सीखने वाला होता है ठीक है वो हम यह कह सकते देखो वो पैसिव तो होते हैं लेकिन जो उनका लिसनिंग स्किल है वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, हम पैसिव में हम वो मीन्स एक जगह पे बैठे होते हैं लेकिन अगर वो सुन रहे हैं ना तो वो उसको एक्टिव होकर के सुने। ठीक है, तो इन चीज़ों पर सारी मीन्स डिपेंड करती है। सो जहाँ पर आप मॉडल देख सकते हो ठीक है तो ये डायाग्राम कह सकते हो उसको ग्राफ कह सकते हो ठीक है या फिगर कह सकते हो तो ये एक फिगर दी गई है। ठीक है, तो जिसमें जो टीचर है तो ये आप कह सकते हो यह वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, टीचर क्या है जस्ट जो भी नॉलेज है उसको प्रोवाइड कर रहा है एक वन वे कम्युनिकेशन तक और बच्चों के पास और जो बच्चे हैं वो क्या है इसमें नॉलेज रिसीवर हैं जो कि नॉलेज जो भी प्रोवाइड की जा रही है उसको रिसीव की जा रही है। ठीक है, सो ये इसकी फिगर थी टीचर की जो कि किसके लिए यूज़ हो रही है जाए हमारे पास लेक्चर मेथड के लिए। ठीक है, आगे हमारे पास लेक्चर मेथड के एडवांटेजेस हैं तो लेक्चर मेथड के एडवांटेज क्या हैं इसमें कह रहे हैं लेक्चर मेथड ऑलवेज गुड फॉर लार्ज क्लासरूम है ना तो ये जो कि बड़ी क्लासरूम होती हैं ठीक है बड़ी क्लासेज होती हैं उनके लिए यह यूज़ होता है जिसमें नए आइडिया रेज होते हैं। इन लेक्चर मेथड स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम इफ़ दे नीड एनी क्लैरिफिकेशन तो जो चीज़ हम पहले ही पढ़ गए हैं वही इसमें एडवांटेज दी कि वे किसी भी टाइम वह जो भी अपने डाउट्स होते हैं क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी समय पूछ सकता है। इन लेक्चर मेथड एक गुड टीचर ऑलवेज तो वह सभी पॉइंट्स को क्या करता है एक्सप्लेन करता है टीचर डिस्कस ओल्ड टॉपिक एंड कम्प्लीट द करिकुलम वन ऑन ए टाइम तो भाई एक दिए हुए समय में या एक समय पर ठीक है टीचर क्या करता है कि भाई जो भी पुरानी नॉलेज है पुरानी टॉपिक है उसको डिस्कस करता है और समय पर अपना जो भी करिकुलम है उसको कंप्लीट कर देता है। आगे इसमें कह रहे हैं स्टूडेंट कैन गिव देयर ओपिनियन एट द एंड ऑफ द ईच लेक्चर तो हर लेक्चर के एंड में स्टूडेंट जो अपने विचार दे सकता है। ठीक है, ये भी मीन्स एक एडवांटेज है गुण। तो आगे कह रहे हैं टीचर कैन कंट्रोल एंड मेंटेन द डायरेक्ट फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन विद ग्रेट तो टीचर भाई ग्रेट इंटरेस्ट के साथ जो भी है ना इंफॉर्मेशन को फ्लो करना है ठीक है उसको मेंटेन कर सकता है कंट्रोल कर सकता है। इट आल्सो स्टिमुलेट द स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स के जो इंटरेस्ट होते हैं ठीक है तो उसको एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करके उसके इंटरेस्ट है उसको क्या कर सकता है उत्तेजित कर सकता है स्टिमुलेट कर सकता है।
क्वेश्चन सॉरी एट्थ पॉइंट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, लेक्चर मेथड इज़ यूजफुल बिकॉज इन दिस मेथड ए लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू लर्नर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो कह रहे हैं कि जो कि एक लेक्चर मेथड है ना, यह मीन्स एक बहुत ही यूजफुल मेथड है, क्योंकि इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ही इन्फॉर्मेशन का बहुत ही ज़्यादा अमाउंट इन्फॉर्मेशन की हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक निश्चित समय में, एक दिए गए समय में, एक थोड़े समय में, ठीक है। तो थोड़े समय में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को मीन्स दे सकते हैं, स्टूडेंट्स तक पहुँचा सकते हैं। आगे हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज आए हैं, इसमें कह रहे हैं डिसएडवांटेज में फर्स्ट में आया है लेक्चर मेथड इज़ टोटली अनडेमोक्रेटिक। तो यह अनडेमोक्रेटिक हो सकता है, ठीक है। अनडेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि भाई इसमें कई बार जो भी है ना बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो इसमें नहीं बताया जाता। तो कैसे कह रहे हैं, अगर इन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो एवरी पर्सन हैव सम ओपिनियन, तो उसके मीन्स अपने अपने विचार होते हैं, ठीक है। टू गिव वाई मीन्स टू ऑफ वोटिंग, जो कि उसको वोटिंग जो भी है ना वोटिंग सिस्टम होता है उसी के बेस पे वो दे सकता है। और कह रहे हैं इन द लेक्चर मेथड, और लेक्चर मेथड में भी देखा जाए इफ़ द टीचर इज़ रूड, अगर टीचर वही रूड है ना तो वह फिर जो सिचुएशन है डेमोक्रेटिक की वह अनडेमोक्रेटिक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर बच्चों के विचारों को नहीं सुना जाएगा अगर टीचर रूड है, ठीक है। स्टूडेंट डोंट फील सेफ, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सेफ फील नहीं करेंगे, वो सोचेंगे यार क्या पूछना, ठीक है, ये तो पहले ही भड़का हुआ है। सो इफ़ द टीचर इज़ रूड, तो टीचर अगर रूड है, स्टूडेंट डोंट फील सेफ टू आस्क क्वेश्चन फॉर क्लैरिफिकेशन, तो क्लैरिफिकेशन के लिए वह कुछ भी नहीं पूछ सकते। आगे कह रहे हैं सम टाइम द लर्नर बिकम ए साइलेंट रिसीवर ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई टीचर, तो टीचर के द्वारा जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ना, तो वह साइलेंटली तरीके से बच्चों के द्वारा बस जस्ट लिसन कर ली जाती है, सुन ली जाती है, कुछ भी पूछा नहीं जाता। लेक्चर समटाइम्स कैन बी बोरिंग, तो जो कि लेक्चर होता है वह बोरिंग हो जाता है, ठीक है, अनप्रोडक्टिव हो जाता है, और इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज, यदि वह मीन्स अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया होता, ठीक है, तो यदि वह अच्छे तरीके से नहीं ऑर्गेनाइज किया होता तो वह बोरिंग भी हो सकता है। सो ये था हमारा डिसएडवांटेज मेथड। आगे स्ट्रेटजी दी गई है, स्ट्रेटजी में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि अ टीचर कैन मेक हिज लेक्चर मेथड इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग बना सकता है अपना लेक्चर मेथड। कुछ डिफरेंट वे दिए गए हैं, तो कुछ फॉलोइंग वेज हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो कह रहे हैं एक गिव ए रोड मैप और फ्लो चार्ट वाई यूजिंग पॉइंटर एंड ऑल्सो इंडिकेट ईच एंड एवरी पॉइंट स्केल लर्नर फॉलो। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई एक आप रोड मैप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है ना तो उसका आप एक मैप बनाओ, है ना, उसका आप एक मानचित्र बनाओ, एक फ्लो चार्ट बनाओ, जिसमें हर पॉइंट को क्या करो आप क्लैरिफाई करो। तो इस वे से आप मीन्स अपने लेक्चर मेथड को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। आगे इसमें कह रहे हैं ऑल द सीक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रैशनली साउंड एंड लॉजिकल फ्रॉम लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू, तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकल वे से अगर देखा जाए, मीन्स बच्चे अगर जिस तरीके से ये चीज़ें लेते हैं तो उनके ही वे से ये चीज़ देखी जाए, तो भाई इन्फॉर्मेशन को हमको सीक्वेंस में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं इन एनी लेक्चर मेथड देयर मस्ट बी एनी कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टीचर एंड लर्नर, ठीक है, सो द लैंग्वेज ऑफ द लेक्चर शुड बी क्लियर एंड शार्प। तो इसमें कह रहे हैं कि लेक्चर मेथड में नहीं नॉट आया ना, तो लेक्चर मेथड में जो कि कम्युनिकेशन गैप होता है ना, तो ये इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेक्चर मेथड में ये चीज़ ध्यान रखें, कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये है कि आप लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हो और बीच बीच में आप बातें करने लग जाऊँ, है ना, तो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हो और बीच बीच में अगर यदि आप मीन्स लेक्चर से हटके कुछ और बातें करने लग जाओ, इट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि भाई जो लेक्चर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी उससे बच्चों का माइंड क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, बच्चे डाइवर्ट हो गए उस चीज़ से, ठीक है, तो वो फिर नहीं समझेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन गैप उनके बीच नहीं होना चाहिए कि पढ़ाते समय टीचर बच्चों से कुछ और बातें करने लग जाए, ठीक है। तो इससे फिर अगर वह ये चीज़ नहीं करता, ये चीज़ अगर वह नहीं करता तो क्या हो सकता है कि जो कि लेक्चर है, ठीक है, यह क्लियर हो सकता है, शार्प हो सकता है, ये चीज़ अगर वह नहीं करता, ये दिया है इन्होंने। आगे हमारे पास कह रहे हैं फॉर ईच एवरी टॉपिक देयर मस्ट बी सूटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम रियल वर्ल्ड, तो जो कि जिंदगी की रियल
प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो उसी के बेस्ड हमको एग्जांपल्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि हम क्या करें, टॉपिक को सूटेबल बना सकें, बच्चों के समझने योग्य बना सकें। लेक्चर वुड स्टार्ट फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो जो कि लेक्चर है यह ब्रेनस्टॉर्मिंग से स्टार्ट होना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि जो भी हमने टॉपिक पढ़ाना है किसी लेक्चर के जरिए, मीन्स उससे रिलेटेड पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे बच्चों से, ताकि उनके माइंड में मीन्स उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उठ के सामने आए कि भाई इस क्वेश्चन का पता नहीं है तो ये देखेंगे, मीन्स इस टॉपिक में क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ना, तो मीन्स जो भी टॉपिक से रिलेटेड हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके माइंड में बहुत सारे विचार उठ कर के आते हैं, मीन्स एक विचारों का तूफान बन जाता है जिसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से स्टार्ट करना चाहिए। ऑन द टॉपिक विच लर्नर हैव ऑलरेडी लर्नर, जो कि चीज़ें मीन्स देखो कुछ चीज़ें बच्चे पहले से जानते होते हैं ना टॉपिक के बारे में, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ताकि उनके बीच इंटरेस्ट बने कि भाई जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में मुझे कुछ चीज़ें क्लियर हैं, कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हैं, वो अब हम समझ लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर मेथड। सो जो आज की वीडियो है हम यहीं तक ओवर करते हैं। सो जो कि इसका थर्ड पार्ट होगा इसी वीडियो का, मीन्स हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर में एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमने जो वीडियो की है जिसको हमने अब ओवर कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पहले यहाँ तक हम इस वीडियो को ओवर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ तक ये मैटर हमने पढ़ लिया है इस वीडियो में। सो जो वीडियो का थर्ड पार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो आपको जल्द ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लिक ऑन द गिव आइकन टू सब्सक्राइब अस। Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.